तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेहतर अच्छा सा क्वेश्चन है। इससे हम ये सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व। कोई कर्व है तो कर्व के किसी पॉइंट पे जो यूनिक सर्कल बनेगा, उस यूनिक सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ स्पीड यू एट एंगल थीटा विथ हॉरिजेंटल, ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स पाथ नियर द हाइएस्ट पॉइंट ट्रैक्ड अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर आर्क, ठीक है ना। ये सर्कुलर आर्क है, पैराबोलिक पाथ है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल? दिस रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व एट दिस पॉइंट। तो इस सर्कल का एक अलग से नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पॉइंट। तो आप किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पूछे हैं तो आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे देखोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर यहाँ से एंगल थीटा डिग्री पर प्रोजेक्शन हुआ था, ये प्रोजेक्टाइल था प्यारे बच्चों, ये एंगल थीटा डिग्री था, तो यू से प्रोजेक्ट हुआ था, तो यू कॉस थीटा तो इधर आएगा और यू साइन थीटा किधर जाएगा? तो यू साइन थीटा इधर आएगा, तो यू साइन थीटा इधर आएगा, यू कॉस थीटा इधर। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है, या हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो तो हमेशा यू कॉस थीटा ही रहती है। इस वाले प्रोजेक्टाइल में कभी चेंज ही नहीं होती है हॉरिजेंटल में। क्यों? क्योंकि हॉरिजेंटल में एक्सलेशन जीरो होता है। तो जब एक्सलेशन जीरो है तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है। तो इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो जब सर्कल बनाओगे, हाँ, हाईएस्ट पॉइंट पे जब सर्कल बनाओगे तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे जब सर्कल बनाओगे तो ये एक यूनिक सर्कल है। तो इस यूनिक सर्कल का जो सेंटर है, ये तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू निकालना, क्योंकि ये जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है। ये पैराबोला है, पैराबोलिक पाथ है। इट इज़ द नॉट सर्कल, इट इज़ द पैराबोला। तो यहाँ से जो ये पैराबोला है, तो अब अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो भाई इस पे फोर्स देखो, सबसे पहले इस बॉल पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है एम जी। तो अगर एम जी लग रहा है तो ये एक सिंगल फोर्स लग रहा है एफ एम जी। तो यही फोर्स इसको क्या करेगा? सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो वो होगा एम बी स्क्वायर ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये किसके बराबर होगा बोलो? तो ये वेट एम जी के बराबर होगा। और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो यू कॉस थीटा है। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो सेंट्रिपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू वेट एम जी। तो और अच्छे से इसको सॉल्व करोगे तो एम तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज एम जी। तो यहाँ से एम ने एम को काट दिया, तो फाइनली जो मुझे प्यारे बच्चों मिलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू वो आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर जी। तो ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और याद रखना कि ये पैराबोला था, तो पैराबोला के हर पॉइंट पे ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हाई प्रोजेक्टाइल में, वो आर मिनिमम होता है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होता है। अब आपको थिंक करना है हाउ एंड वाई। किसी दूसरे लेक्चर में मैं कर्वेचर डिस्कस करूँगा, तो वो अब आपको किसी से पूछ सकते हो कि प्रोजेक्टाइल में रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम कहाँ होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है और उसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप किसी भी पॉइंट पे कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।